हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में आपने देखा कि यिंग खड़ी होकर शेंग्यू को देख रही थी और शेंग्यू समझ जाता है कि ये सब यिंग ही कर रही है क्योंकि उसे शक है कि शेंग्यू फेक है। फिर शेंग्यू अपनी शर्ट उतारकर अपने मार्क्स दिखाता है और वो बिल्कुल उस फोटो जैसे ही मैच कर रहे थे। और फिर शेंग्यू जेंग से कहता है कि आपने मेरे फादर को ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब किया ना। तो जेंग गन निकाल लेता है और पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी पर एग्जैक्टली ये घाव आए कैसे। तो मिस्टर डू, जो कि अब तक बड़े ही शांत लग रहे थे, जेंग को रोक देते हैं और शेंग्यू को उसकी शर्ट वापस पहनने को कहते हैं। और फिर जेंग से कहते हैं कि हम बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के टेम्पर को अच्छे से जानते हैं, तो अगर शेंग्यू को कुछ भी हुआ ना तो तुम तो जानते ही हो कि फिर कितने लोग मरेंगे। और फिर उसके बेटे बाउची से पूछते हैं कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। तो बाऊजी जानता था कि मिस्टर डू उसे इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहे हैं। और फिर शेंग्यू यिंग को देखता है जो थोड़ा डिसअपॉइंट थी कि उसका प्लान फेल हो गया। और फिर हम देखते हैं कि यिंग एक सुनसान रास्ते से थोड़ा डरते डरते से जा रही है, मगर शेंग्यू वहीं साइड में छुपा हुआ था, जो अचानक से उसके सामने आता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। यिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शेंग्यू उससे कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करने आया हूँ क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं करती तो मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाता, पर तुम मेरी रियल आइडेंटिटी कैसे जानती हो। तो यिंग कहती है कि रियल शेंग्यू मेरा अब्रॉड में क्लासमेट था और मैं सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि तुम्हारा वीक पॉइंट भी जानती हूँ। तो शेंग्यू कहता है कि मेरा वीक पॉइंट वो क्या है। तो यिंग अपने गले से चाकू हटाती है जो कि उल्टा लगा रखा था और कहती है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, और क्योंकि वो खुद भी एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रही थी तो इसलिए कहती है कि तुम शेंग्यू बने रहो और मैं यिंग, और हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही अपनी लाइन क्रॉस करेंगे। और वहीं पर जेंग का बेटा बाउची दूर से छुप कर उन्हें देख रहा था, और क्योंकि शेंग्यू ने अपने असिस्टेंट से यिंग पर नजर रखने को कहा था तो वो एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और यिंग को वहां से गुजरते हुए देख रहे थे। और तभी वो देखते हैं कि दो आदमी यिंग को फॉलो कर रहे हैं और शेंग्यू को कुछ अजीब सा लगता है, तो शेंग्यू उनके पीछे जाता है। पर जब तक वो यिंग के पास पहुंचता दो आदमी यिंग को किडनैप करके वहां से ले जा चुके थे। और असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है ये काम बाउची का है, और आगे दिखाते हैं कि यिंग को बाउची ने बांध लिया है और यिंग से कहता है कि मैं मिस्टर डू और शेंग्यू का तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारा चेहरा तो बिगाड़ दूंगा जिसके पीछे मिस्टर डू पागल है। और तभी लाइट ऑफ होती है और शेंग्यू वहां आता है और बाऊजी उसे अकेले देखकर कहता है कि तुमको क्या लगता है, तुम हम सबका अकेले मुकाबला कर सकते हो। मगर शेंग्यू सबको मार गिराता है। और दूसरी तरफ मिस्टर डू चैरिटी की पार्टी इंजॉय करते हैं और तभी एक रिपोर्टर आता है और मिस्टर डू से पूछता है कि आप सिर्फ 10 सालों में ड्राइवर से चेयरमैन कैसे बन गए। ये सुनकर मिस्टर डू का असिस्टेंट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मगर मिस्टर डू रिपोर्टर से कहते हैं कि तुमको देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, तुम भी मेरे जैसे ही हो, तो 10 सालों में तुम भी चीफ एडिटर बन सकते हो। दूसरे साइड पर दिखाते हैं कि शेंग्यू काफी घायल है और वो यिंग की रस्सी खोलता है और यिंग कहती है कि तुमने मेरी खातिर अपनी लाइफ को रिस्क पर क्यों डाला। तो शेंग्यू कहता है रीजन तो तुम जानती ही हो, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो हूँ। और फिर वो यिंग को उठाकर बाहर ले आता है और उसके आदमी पहले से ही बाहर खड़े थे और उससे कहता है कि अंदर जाकर सब कुछ साफ कर दो। यिंग कहती है अगर तुम्हारे पास लोग थे तो तुम मुझे बचाने अकेले क्यों आए। तो शेंग्यू कहता है अगर मैं इनका वेट करता तो अब तक तुम्हारा फेस कट चुका होता। और फिर कहता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मिस्टर डू की गर्लफ्रेंड बनना ईजी नहीं है। तो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, मगर यिंग उसके फेस से ब्लड लेती है और अपने फेस पर लगा लेती है और कहती है मैं लोगों का एहसान नहीं रखती। उधर हम देखते हैं कि जेंग बार में आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और मिस्टर डू से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को इतना मारा कि वो मरने की हालत में पहुंच गया है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और प्रेस वालों को बोलता है कि अभी आप लोग डिसाइड करो कि आप मेरे साथ हो या डू के साथ। तभी वह येंग आती है और जेंग से कहती है कि आप तो मुझे जिंदा देखकर बड़े सरप्राइज होंगे ना। तो जेंग कहता है कि मैंने क्या किया। तो येंग कहती है यहाँ सब जानते हैं कि मिस्टर डू मेरे साथ काइंड है और आपके बेटे बाउची ने मुझे किडनैप किया, मगर शेंग्यू ने आकर मुझे बचा लिया। तो जेंग कहता है कि
कौन तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेगा, कोई एविडेंस है? तो यिंग अपने सारे स्क्रेचेस दिखाती है। पीछे से मिस्टर डू आते हैं और यिंग को अपना कोट उड़ा देते हैं और प्रेस को कहते हैं कि मैं यिंग से शादी करने वाला हूँ और आज के बाद कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद दूर खड़ा हुआ शेंग्यू यिंग को चेयर्स करता है और फिर शेंग्यू और यिंग ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहां पर यिंग अपने नकली घावों को साफ करती है। तो शेंग्यू कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गई हो। तो यिंग कहती है कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं जीती हूँ या नहीं। तभी जेंग वहां आता है और शेंग्यू पर गन पॉइंट कर देता है और यिंग पाउडर उस पर फेंक देती है तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी शेंग्यू भी अपनी गन निकाल लेता है और जेंग पर गन पॉइंट कर देता है। फिर जेंग यिंग पर गन पॉइंट कर कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं यिंग को मार दूंगा। और तभी मिस्टर डू पीछे से आते हैं और जेंग को फायर कर देते हैं और इसमें यिंग बेहोश हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि शेंग्यू यिंग के लिए हॉस्पिटल में फ्लावर लेकर आता है और जब रूम में जाता है तो देखता है कि मिस्टर डू पहले से ही वहां थे और मिस्टर डू यिंग से कहते हैं कि कल मैंने जल्दी मेरी शादी अनाउंस कर दी और मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। और कहते हैं कि मुझसे शादी करने का मतलब है कि तुमको बहुत सी परेशानियां फेस करनी होगी। मगर यिंग मुस्कुराती है और हाँ कर देती है और फिर शेंग्यू डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। और यिंग देख रही थी कि शेंग्यू बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है और फिर वो उसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जाता है और वहाँ एक लेडी डॉक्टर जो उसके साथी थी उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था मिस्टर डू जेंग को ऐसे मरवा देंगे और कहती है कि मुझे लगता है आप बाउची की बारी है। शेंग्यू कहता है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाता। और ये वही डॉक्टर है जो शेंग्यू को उसकी बॉडी पर कट और स्क्रेचेस लगाने के लिए उसकी मदद करती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो रियल शेंग्यू है। और आगे दिखाते हैं कि यिंग अपने घर आती है और यहाँ पे पास्ट को याद करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शेंग्यिंग कंपनी पास्ट में यिंग फैमिली ही की थी और जेंग ने उसके पेरेंट्स को मारकर कार्गो कंपनी हत्या ली थी और वो मिस्टर डू से शादी करके कंपनी को वापस लेना चाहती है। और वो इस बात से खुश होती है कि उसका एक दुश्मन जेंग मारा गया और कहती है कि मेरे बाकी दुश्मनों को भी ऐसे ही मरकर कीमत चुकानी होगी। आगे मिस्टर डू की लीगल वाइफ वेनी को दिखाते हैं जो न्यूज़पेपर में मिस्टर डू और यिंग की शादी की न्यूज देखकर काफी अपसेट होती है और कहती है मिस्टर डू किसी सिंगर से शादी कैसे कर सकते हैं। और ये मिस्टर डू की सेकेंड वाइफ और डोंगी के प्रेसिडेंट की नीस है। और इधर दिखाते हैं कि मिस्टर डू का असिस्टेंट उनको उस रिपोर्टर की कटी हुई टंग लाकर देता है जिसने मिस्टर डू से सवाल पूछा था कि 10 साल पहले आप ड्राइवर से चेयरमैन कैसे बन गए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत ही शांत दिखने वाला मिस्टर डू असल में कितना क्रूअल है। और तभी वानिए मिस्टर डू से मिलने आती है और कहती है कि आपने शेन्यू को वापस बुला लिया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम दोनों का कोई बच्चा नहीं, पर आप सिंगर से शादी कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैंने पब्लिक में अनाउंस किया है तो ये प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा। इस पर वांगी कहती है कि और जो प्रॉमिस मुझसे किया है उसका क्या। तो इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है और मिस्टर डू थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और उनके गुस्से को देखकर वांगी चुप हो जाती है और फिर घर आकर अपनी मेट से कहती है कि मुझे ये शादी तोड़ने के लिए कुछ तो करना होगा और फिर कहती है कि तुम यिंग को कल खाने पे इनवाइट करो। आगे हम देखते हैं कि यिंग पैदल ही बाहर जा रही है। तभी शेंग्यू आता है और अपनी गाड़ी में उसको लिफ्ट ऑफर करता है और फिर रास्ते में यिंग से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो पर डू फैमिली के सब लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और इधर बार ओनर लिंग जानती थी कि यिंग अपने बिजनेस को वापस लेने के लिए मिस्टर डू के साथ इन्वॉल्व हो रही है। तो जब वो शेंग्यू को यिंग को लिफ्ट देते हुए देखती है तो कहती है कि शेंग्यू से थोड़ा सा दूर रहो और मिस्टर डू को इम्प्रेस करो, फिर तुम जो चाहती हो मिस्टर डू वैसा ही करेंगे। और आगे बताती है कि डू फैमिली ने कल रात उसको डिनर पर बुलाया है और थोड़ा सा वार्न करती है कि वांगये से बचकर रहे। इधर हम देखते हैं कि वांगये मिस्टर डू को बताती है कि मैंने यिंग को खाने पे बुलाया है। इस बात पर मिस्टर डू थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। तो वांगये मिस्टर डू को मना लेती है और कहती है आप परेशान मत हो, मैंने सब तैयारी कर ली है। और फिर मिस्टर डू ऑफिस के लिए वहां से चले जाते हैं। और इधर वानिया अपनी मेड से कहती है
क्या तुमने सब तैयार कर लिया? तो मेड कहती है कि मैंने यंग मास्टर मतलब शेंग्यू को रुकने के लिए कहा है। तो वांगी खुश हो जाती है कि शायद हमारा प्लान काम करे। इधर येंग डोमेंशन में जाती है और ये पास्ट में उसी का घर था, तो उसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि जब वो अपनी मॉम के साथ केक लेकर आती थी और खुश होकर बटरफ्लाई पकड़ती थी। तभी वो सोचती है कि एक ब्लास्ट होता है और उसके डैड की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और उनके खून के छींटे उसके फेस पर हैं। और ये सब सोच ही रही थी तभी एक मेड उसे बुलाने के लिए आ जाती है और उसे एक सिटिंग रूम में बैठाकर चली जाती है। यिंग की यादें इस घर में हर तरफ थी और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, अपने डैड को याद करती रहती है और इस घर का वो हर एक कोना कोना जानती थी। वो सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।